ऑफिसर वन मिनट। ए तुम ही अर्जुन हो ना? हाँ सर मैं ही हूँ। सर तुम्हें बुला रहे हैं। सर अर्जुन। सर अर्जुन गुड दैट यू आर सेफ। फ्रेंड्स कहाँ है तुम्हारे और कितने लोग मिसिंग हैं? सबके फोन स्विच ऑफ है सर, कौन कहाँ पर है कुछ खबर ही नहीं है। सुदीप सर इसे कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी है। अर्जुन फाइनल ईयर स्टूडेंट। अर्जुन प्लीज हेल्प हिम। सी मिस्टर अर्जुन दिस इज योर कॉलेज मैप। ओके अंदर से जो स्टूडेंट्स बाहर निकल गए उनके हिसाब से हॉस्टेजेस को ऑडिटोरियम में कैद किया गया है। इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से तुम्हारे कॉलेज के चार एंट्रेंसेस हैं। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। ओके अभी ऑडिटोरियम में जाने के लिए कौन सा रास्ता आसान होगा? सर एक्चुअली ये सही नहीं है सर, ये पुराना लेआउट है, ये दीवार ऊंची उठ गई है और यहाँ सीढ़ियों के टूटने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो यहाँ से है, सिर्फ यही एक रास्ता है। सिचुएशन आतंकवादियों ने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया है। मैं काजी नसीरुद्दीन। डिमांड्स क्या है? डिमांड्स नहीं होए, डिस्कशन नहीं, ऑर्डर। बाबर खान की आजादी। बाबर भाई के साथ महफूज मुजफ्फराबाद जाने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट। ओके ओके क्या रे? हेलो जहां तक मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते। बिल्डिंग के चारों तरफ बम है, C4 ग्रेड IED एक्सप्लोसिव्स और रिमोट मेरे हाथों में। देखो मिस्टर गाजी यू आर राइट, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं नहीं ले सकता, पर हाँ मैं तुम्हारी ये डिमांड हायर अथॉरिटी को पहुंचा दूंगा। इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। बाबर भाई को रिहा करवाने का डिसीजन मैंने ऑलरेडी ले लिया है। उन्हें यहाँ लेकर आने के लिए आधे घंटे का टाइम लगेगा। मैं तुम्हें 5 घंटे दे रहा हूँ। रात के 12 बजे तुम्हारी डेडलाइन है। बसंती कॉलेज में घुसे आतंकवादियों ने कुछ समय पहले पुलिस कमिश्नर अली खान से कांटेक्ट किया था। आतंकवादियों ने हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हाई सिक्योरिटी स्पेशल प्रिजन में बंदी बाबर खान की रिहाई की डिमांड की है, ऐसी खबर मिली है। ...2007 मुंबई बम ब्लास्ट में पहली बार पुलिस के रेडार में आने वाले बाबर खान ने बहुत कम समय में ही डेकन मुजाहिदीन संस्था के ऑपरेशनल कमांडर की जगह ले ली है। डेकन मुजाहिदीन का निर्माण करने के साथ साथ मुंबई अहमदाबाद लखनऊ बम ब्लास्ट में भी बाबर खान का बड़ा हाथ रहा है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी बाबर खान ने हैदराबाद में भी बॉम्ब ब्लास्ट किया था। अगर बाबर खान को रिहा किया गया तो पूरे विश्व में आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ जाएगी। बाबर खान को रिलीज करने से हमारी आर्मी के मोराल पर बहुत असर पड़ेगा सर, हमारी सारी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज पर इफेक्ट होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें बाबर खान को नहीं छोड़ना चाहिए। गाजी नसीरुद्दीन भोपाल के पास एक छोटे से गांव में जन्म लेकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए। सिमी के बंद होने के बाद पुलिस से बचने के लिए वो आतंकवादी वहां से कराची भागकर ISI की मदद से उसने डेकन मुजाहिदीन संस्था का निर्माण किया। विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में अव्वल गाजी देश के अनेक बॉम्ब ब्लास्ट का प्रधान सूत्रधारी है। कैंपस के हर इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स को ट्रैक करो। ओके सर। डाइवर्ट ऑल कॉल्स फ्रॉम द टेररिस्ट टू माय नंबर। जी सर। सर कंट्रोल रूम से मैसेज आया है,
अभी जो हमें कॉल आया था उसे ट्रेस करके उसके डिटेल्स भेजे हैं। I need complete history of his father, mother, family, friends, everyone. Okay? What happened? किसका नंबर था वो? सर, वो कॉल आपकी बेटी रोशनी के नंबर से आया था सर। सर, अगर सरकार ने बाबर खान को रिलीज नहीं किया तो मेरे दोस्तों का क्या होगा सर? वो कैसे बचेंगे? हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को बचाना नहीं, बच्चों को बचाना है। तुमने रोशनी को बुलाया था ना फेयरवेल पार्टी पर? नहीं सर, एक्चुअली वो खुद आना चाहती थी पर उसी दिन उसे लंदन जाना था तो इसलिए। सर बात क्या? सर लंदन नहीं गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो इस वक्त रोशनी कहां पर है सर? गाजी नजरुद्दीन अभी जिससे बात कर रहा था वो रोशनी का ही फोन था। तुमने बुलाया था ना उसे? अर्जुन,
बेचारा फंस गया। ए, देखना रोशनी, रोशनी, भाई कॉलेज फाइनल ईयर स्टूडेंट अर्जुन बीए। क्यों आया रे? मरेगा जानते हुए भी क्यों आया है? मैं यहां अपने प्यार के लिए आया हूं, वो मेरी वजह से यहां फंस गई। पानी पिलाओ रे इसको। भाई छोड़ दे छोड़ दे। अगर इसे छोड़ देंगे तो हमारा डर खत्म हो जाएगा भाई। मैं तो बोलता हूँ इन दोनों को सबके सामने मार देते हैं। ओए ठंड रख, काम आएगा ये। अर्जुन मैं ठीक हूँ। हटाओ उनको। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ ना। मेरा दोस्त है, दोस्त है मेरा। अर्जुन सर उनके फायर करने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें अटैक करना चाहिए। सोच रहा हूं अगर हम अटैक करें तो अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू पागल हो गया क्या? तू अंदर क्यों आया? पॉकेट मनी खत्म हो गए थे तुझसे 500 रुपए उधार लेने आया। तू पहले पानी पी लेना यार। ये सब क्या है अर्जुन? मुझे लगा बाहर तुम सेफ हो, तुम अंदर क्यों आ गए? मैं तुमसे प्यार करता हूँ रोशनी, यही बात कहने एयरपोर्ट भी गया था लेकिन उस बीच ये सब हो गया। आई लव यू रोशनी। कम ऑन अर्जुन, हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये बात आज की नहीं है रोशनी, जब से तुम्हें देखा है हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, ये बात इन सबको पता है। तुम अपने दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बस एक बार कह दो तुम मुझसे प्यार नहीं करती फिर कभी तंग नहीं करूंगा तुम्हें। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं तुम्हें प्यार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, बस तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था। ए, चुप कर। एक छोकरे को बैरिकेड्स क्रॉस करने से रोक नहीं पाया तू, तो हम मुजाहिदीन को बॉर्डर क्रॉस करने से क्या रोकेगा बे? तू है तुझ पर कमिश्नर, जब तक मेरी बात मानेगा तब तक जिंदा रहेंगे ये बच्चे। और अगर तूने या तेरी सरकार ने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। अब काम की बात सुन। बाबर खान को आजाद करेगा, कॉलेज के 80 बच्चों को छोड़ दूंगा, ये गाजी की जुबान है। सबके लिए बिरयानी भिजवाओ। मुझे 20 मिनट का वक्त दो। हलाल गोश्त। ऊपर से कॉल आया है, उन्हें लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हेलो सर जी, क्या भाई बिरयानी आ गई है। पहले स्टूडेंट्स को खिलाओ, क्या मिलाया है पता चलेगा। सब लोग बिरयानी खाओ। ए अर्जुन, ये हमारा फेयरवेल पार्टी का डिनर है। रोशनी शायद तुम जानती नहीं, जब तुम पहली बार कॉलेज आई थी ना तब तो अर्जुन ने बच्चों के नाम भी सोच लिए थे।
अरे क्या कुछ भी बोल रहा है। अगर लड़की हुई तो स्वाति खान और अगर लड़का हुआ तो अब्बास कुमार। तुम भी क्या क्या सोचते हो अर्जुन। ब्रिटिश एयरलाइंस में डिनर करने वाली थी तुम, इस तरह कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठकर इतने सारे आतंकवादियों के बीच डिनर कर रही हो ना, ये भी तो किसी ने नहीं सोचा था। वैसे ये लोग बाबर खान को रिहा करके स्पेशल फ्लाइट से जाने वाले हैं, तुम कहो तो तुम्हें लंदन छोड़ने की सिफारिश कर दूं। अरे हाँ, टिकट के पैसे भी बच जाएंगे सफरी में। रजाक जो पुलिस कस्टडी में है उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कॉलेज के सारे बॉम्ब एक ही रिमोट से एक्टिवेट हों ऐसे डिजाइन किए गए हैं। तुम्हारा मतलब जैमर? यस सर। पर अंदर कैसे ले जाएंगे? मेरे पास जैमर अंदर ले जाने का एक प्लान है सर। ये अर्जुन, ये हमें बचाने के लिए क्या पुलिस सच में बाबर खान को छोड़ देगी? जैसा बाहर कमिश्नर सर ने बताया था तो छोड़ने की बात तो पक्की है, इसलिए हम सब सेफ हैं। मुझे तो इस बात की शर्मिंदगी है कि बाबर खान की रिहाई की एक वजह मैं भी हूँ। उस दरिंदे के रिहा होने पर दुख तो मुझे भी है। अभी तक उसकी वजह से 40 लोगों की मौत हुई है, अगर उसे अभी जेल से रिलीज किया तो वो और 10 जगह बॉम्ब लगा के सैकड़ों लोगों को मार देगा। क्रिकेट मैच में मैच को जिताना या सेंचुरी बनाना ये प्लेयर्स का काम होता है, हम सिर्फ स्टेडियम में बैठकर तालियां बजा सकते हैं लेकिन फील्ड में उतरकर रन्स नहीं बना सकते। ये भी वही हालत है, बाहर जो पुलिस ऑफिसर्स कमांडोज है वही कुछ कर सकते हैं, हम तो बस स्पेक्टेटर्स हैं। अगर तुम स्पेक्टेटर हो तो फिर तुम अंदर क्यों आए हो? बाहर खड़े होके मैच ही देख लेते ना। बाबर खान की कहानी मेरे लिए तमाशा है, पर तुम कोई तमाशा नहीं, मेरा प्यार हो। तो फिर हमें मैच जितवाओ, हमें यहाँ से छुड़ाकर सबको बाहर ले जाओ। हार को कोई नहीं रोक सकता रोशनी, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या प्यार। 2 घंटे में बाबर खान रिलीज हो जाएगा, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। बोलिए खान साहब, कहाँ तक पहुंची आपकी सरकारी कार्रवाई? जैसा तुम चाहते हो वैसा ही किया जा रहा है। तुम्हारे लिए शमशाबाद एयरपोर्ट में एक स्पेशल फ्लाइट रेडी हो रहा है, प्लस तुम्हारा यहाँ से बाय रोड जाना सेफ नहीं है, इसीलिए वी आर अरेंजिंग वन चॉपर फॉर यू। याद रखना खान साहब, हम हमारे साथ 20 स्टूडेंट्स को लेकर मुजफ्फराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ खुदा कसम सबके हवे में चीथड़े उड़ेंगे। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर के लिए मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए मिस्टर गाजी। मतलब? आपने जो मांगी, मतलब जो डिफिकल्ट डेडलाइन दी है उसे पूरी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट अरेंजमेंट्स करने के लिए थोड़ा टाइम तो और लगेगा ही। मतलब मैंने मिनिस्टर से बात की है और पॉइंट पे आबे। देखो अथॉरिटीज ने कहा है सिर्फ 2 घंटे और तुम्हारी डिमांड्स मंजूर हो जाएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। नजर रखना गाजी भाई, क्या हुआ? बाबर भाई को रिलीज करने के लिए और 2 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं। क्या बात है, 2 घंटे में बाबर भाई छूट जाएंगे, माशाल्लाह। प्यारे, अपने पास सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, कोई वीआईपी नहीं। वहीं अगर कोई फॉरेन डेलीगेट्स या राजनीतिक नेता होते तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये फोन किसका है? मेरा है सर। चल आजा। मैं सर? हाँ तू ही।
भाई को मैसेज देना है, चला जा। सर ये सब क्या है सर? तुझे घर भेज रहे हैं। तुम्हारा नाम? विवेक। बाप का नाम? राजेंद्र कुमार। पढ़ाई क्या करते हो? कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर। बहुत इंतजार किया, अब हम और इंतजार नहीं करेंगे हमारे बाबर भाई के रिलीज होने का। अब उनके रिलीज होने तक हर आधे घंटे में आपको एक ऐसा नायाब तोहफा भेजेंगे। एक बहुत बुरी खबर, बसंती कॉलेज में जो आतंकवादी घुसे हैं उन्होंने विवेक नाम के एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में विवेक को बंधक बनाया गया है और चाकू से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। ये वीडियो टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप पर तेजी से फैल रहा है। ए, तूने ये देखा क्या? छोड़ दो, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था किसी का? मेरा बेटा, देखे ना। नहीं, अरे तुम्हें क्या हो गया? मेरा बेटा। अगर बाबर खान के रिलीज में देरी की गई तो आधे घंटे में एक छात्र को मारकर वीडियो भेजने की धमकी दी है उन लोगों ने। इस घटना से छात्रों के माता पिता के मन में डर बैठ गया है। खत्म, सारी मेहनत बेकार। मुझे अंदर जाना है, अंदर जाना है, मुझे मेरी बात तो समझिए, मुझे अंदर जाना है। सुदीप। यस सर। सुदीप हियर। ऑपरेशन अबॉर्टेड, लौट कर आओ। टारगेट के बहुत पास हूं सर। एक स्टूडेंट का गला काटकर उस वीडियो को मीडिया में भेजा है, सो कम बैक। सर मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, यू हैव टू कम बैक एंड इट्स एन ऑर्डर। यस सर। भैया, भैया। वो मैं पूछ रहा था विवेक को आप कहां लेकर गए? नाम क्या है तुम्हारा? अब्बास खान। हर आधे घंटे में एक स्टूडेंट को रिलीज करने का वादा किया था तो पहले उसे भेज दिया। सर इसके बाद किसको छोड़ने वाले हैं?
भागते हुए आया था ना, नेक्स्ट नंबर तेरा। मेरे बदले इसको छोड़ दीजिए ना सर। शादी कब है?